मेवात से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि वाहनों की एनओसी सहित कागजात में छेड़छाड़ कर मोटी कमाई करने वाले गैंग का सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। एसटीएम फिरोजपुर झिरका कार्यालय में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर एसटीएम ऑफिस नूह सहित कई दफ्तरों में गड़बड़ चलाकर जुटाई करोड़ों की दौलत। आपको बता दें कि एसटीएम ऑफिस फिरोजपुर झिरका में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर की गिरफ्तारी हुई है। सिटी थाना नूह पुलिस के अलावा भारी पुलिस बल ने आरोपी को फिरोजपुर झिरका से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ऑपरेटर पर आरोप है कि उसने कोविड-19 के दौरान नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहनों के रजिस्ट्रेशन तथा एनओसी इत्यादि कार्य में गड़बड़ झालाकर करोड़ों रुपये की संपत्ति जुटाई है। पकड़े गए कंप्यूटर ऑपरेटर शकील को ग्रोह का मुख्य सरगना बताया जा रहा है। नूह पुलिस ने अब इस ग्रोह की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है, जिसमें कई अन्य कर्मचारी एवं बाहरी लोग शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस पकड़े गए कंप्यूटर ऑपरेटर को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर सारे राज को उगलवाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इस गिरफ्तारी के बाद इस धंधे में जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन के अधिकारी व पुलिस प्रशासन के अधिकारी मामला प्रशासन से जुड़ा होने के कारण फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। आप देख रहे नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमने केस रजिस्टर कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो अपने इंस्पेक्टर CIA अरविंद कुमार उनके द्वारा अमल में लाई जा रही है। इसमें अब तक एक आरोपी शकील को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो आगे जैसे भी खुलासा होगा आपको समय पर बता दिया जाए। कौन से गांव का रहने वाला है? क्या ये चंदेड़ी गांव का है और ये अपने एसडीएम ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात था। इसने फर्जी RC वगैरह बनाने का कोई घोटाला किया है, जो अब तक संज्ञान में आया है अब तक की तफ्तीश से। बाकी आगे जैसा भी होगा वो तफ्तीश फिलहाल जारी है।